हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। मुझे बिना खबर दिए तुम ये सब कैसे कर सकते हो? यहाँ पर सबको इसलिए बुलाया था ना तुमने, और मुझे खबर भी नहीं हुई। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हें पता है। अगर बता देता तो कबूल करती? नहीं, मैंने ऐसा ही सोचा था। हमें बुलेट को जल्द से जल्द वापस लेने के लिए ये सब करना होगा। उसके लिए सबको यकीन दिलाना था कि हम शादी कर रहे हैं। ये करने के लिए यही सबसे आसान और जल्दी रास्ता था। इसलिए तुम हंसती रहो और इसको जारी रखो, ताकि सब इस खेल को सच समझे। तुम मेरा साथ दो ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सके। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, इसका मैं जरूर हिसाब लूंगी। तुम भूल गई कि तुमने हमें साल में बहुत पहले ही डाल दिया था। मेरी जान। बाबा, मैं आपको बता रही थी। क्या बता रही थी मुझे? तुमने सुबह कॉल की कि मैं शादी कर रही हूँ, दोपहर में इंटरनेट से तुम्हारे निकाह की डेट मालूम हो गई। हमें तो एक के बाद एक खबर मिल रही है। बाबा, लगता है तुम भूल गई हो तुम्हारा यहाँ भी कोई रहता है, या फिर तुम हमसे कुछ ऐसा छुपा रही हो जिसकी वजह से तुम्हें जल्दी शादी करना पड़ रही है। बाबा, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, हम तो आसुमान को बेवकूफ और तुम्हें अकलमंद समझते थे। तुम्हारी बीमार माँ अंदर लेटी हुई है और मुझे बहुत टेंशन है। हम इन सबके हकदार नहीं है। तुम्हारा जो दिल में आए तुम वो करो। बाबा,